वेलकम बैक किड्स। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम सबने बना लिया है तो ही ये वीडियो देखो, क्योंकि वन बाय वन ही डायग्राम की प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर एक साथ सोचो कि यार सारे लाइफ प्रोसेस के डायग्राम हम कर लें तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायग्राम है तो आपको करनी है लेबलिंग। यही तो है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट केवल डायग्राम नहीं बनाना है, यू हैव टू डू लेबलिंग। सो जिन बच्चों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम नहीं देखा है और अभी भी वो स्ट्रेस में हैं दैट हाउ टू मेक इट, प्लीज गो एंड सी माय लास्ट वीडियो। अब इस वीडियो में हम दूसरे लाइफ प्रोसेस के डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा खाने पीने से संबंधित, एंड दैट इज नन अदर देन डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा बड़ा है डायग्राम क्योंकि इसमें होता है एलिमेंट्री कनाल प्लस साथ में होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे डायग्राम को कि एक ही डायग्राम को मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेगा अगर हम तेजी से बनाएंगे तो, और अगर पहली बार बना रहे हैं तो हमें लगेगा 10 मिनट, ठीक है। और अगर आप सो के बैठ बैठ के इधर उधर टाइम पास करके बना रहे हैं तो आपको लग सकते हैं 20 मिनट, और जो बच्चे नहीं फोकस कर रहे हैं उनका तो भगवान ही जाने। तो भगवान किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे। तो कम ऑन, चलते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्टिंग हमारा वही माउथ से होगा जैसे हमने रेस्पिरेशन में किया था। देखो ऐसे करके बना नोज, नोज से बना माउथ, ठीक। अब पिछले में हमने ले गया था, लेके गए थे हम, क्या बना रहे थे, विंड पाइप एंड ऑल, बट इस बार हमें विंड पाइप की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इस बार हम बनाएंगे फूड पाइप। अब फूड पाइप शुरू कैसे होगा, आप देखो ये माउथ से शुरू होगा। पिछला वाला नोज ही से स्टार्ट था, नोज से, क्योंकि रेस्पिरेटरी था। इस बार डाइजेस्टिव है तो हम शुरू करेंगे माउथ से, ओके। तो देखो माउथ से मैं लेके गई ऐसे, फिर ऐसे, यहां पे एक हमारे पास था ही फेरिंग्स, दैट इज अ कॉमन इन रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे हो गया लैरिंग्स, और अब ये आपका आ गया फूड पाइप। ये एस, कुछ करना नहीं है, सिंपल फटाफट लेबल कर लेते हैं। दिस इज फेरिंग्स एंड द सेकेंड वन इज लैरिंग्स, और माउथ तो हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको कैसे भूलेंगे, नहीं भूलना है तो लगा लो नहीं मार्क कर लो माउथ, ठीक। अब ये आ गया, ये जो फूड पाइप स्ट्रक्चर है ना, जैसे विंड पाइप था उसको हमने बोला था ट्राई किया, फूड पाइप को हम बोलेंगे एसोफेगस। बायोलॉजी में कॉमन इज फूड पाइप एंड बायोलॉजिकल वर्ड इज एसोफेगस। ओ इसमें साइलेंट होता है इसलिए इसका प्रोनंसिएशन ऐसा फील होता है कि ई से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब ये फूड पाइप जो है वो आगे जाके खुल जाएगा इस स्टमक में, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये हो गया स्टमक। अब स्टमक में क्या खास बात है कि यहीं से इसको हम निकालेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट। तो पहले लेबल कर लो, दिस इज स्टमक। बहुत इजी है अगर ध्यान दोगे तो। अब ये जो है अपना खुल जाएगा, ये स्टमक अपना जाएगा ये ऐसे, देखो ये हो गया ड्यूडेना, फिर ऐसे ऐसे ये बनाएंगे इंटेस्टाइन, ये बनाएंगे इंटेस्टाइन, देखते जाओ बनेगा कैसे। डायग्राम सबको दिख रहा है, पक्का पक्का पक्का, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, उसको थोड़े से टेढ़े को हम कर देते हैं सीधा। चलो इसको करना है ऐसे घुमा के ऐसे, ठीक। अब थोड़ा सा डस्टर का यूज और मैं कर लूं, ताकि बिल्कुल भी डायग्राम टेढ़ा होने की कोई भी गुंजाइश ना रहे, ठीक है, डन। अब इसको लेबल करो फटाफट ताकि भूलने ना पाओ। ये जो इस पार्ट निकला ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आगे जाके बना लेगा जेजनम एंड इलियम। अब इसको बनाने के लिए देखो ऐसे करना, पहले आप बना लो लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ओके।
इसमें होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो इजी. अब यहीं से ये जो नीचे मैंने येलो कलर से ऐसे घुमाया है मैंने अपनी चौक को, इससे हम बना रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या बना रहे हैं हम? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये ऐसे कॉइल्ड होता है, सबको पता है. इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं. एक तो हो गया ड्यूडेनम, एक तो हो गया जेजुना, और एक हो गया नीचे वाला ईलियम. तो ड्यूडेनम, जेजुनम, ईलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे करके लिख दो स्मॉल इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी. लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ थ्री पार्ट. थ्री पार्ट वो है क्या? पहले ये वाला पार्ट लेबल कर देते हैं, ये लास्ट पार्ट जहां से वेस्ट मटेरियल जाएगा बाहर, दैट इज नोन एज एनस. अब देखो होगा क्या, ये हो जाएगा सीकम, ये वाला पार्ट हो गया सीकम. आई होप इट्स विजिबल. नो इट्स नॉट विजिबल, सो इसको हम करेंगे विजिबल. यहां से कर लेते हैं, इज इट विजिबल? वेरी गुड. तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया रेक्टम, ये वाला पार्ट हो गया सीकम. आई होप इट्स विजिबल, यस. और ये जो ऊपर है ये हो जाएगा कोलन. सीकम, कोलन, रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. अब यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है. आप बोलोगे मैम आधा अधूरा तो आप डायग्राम बनाएंगे और कह रही हैं कि हम पूरा तैयारी करवा रहे हैं. नो, यहाँ पे आएगा एक लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक. और लीवर के ही साथ एक और यहाँ पे आएगा, नीचे बना दूंगी मैं स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर. This is known as pancreas. इसको क्या बोलेंगे हम? Pancreas. अब देखो जो colon है वो बीच में यहाँ पे है, ये labeling की वजह से ऐसा हुआ है. बाकी इसके ऊपर एक diagram that is known as pancreas. और जैसा कि हम सबको पता है कि diagram के नीचे ही नाम लिखना है, नीचे space नहीं है, तो you have to write human digestive system. Okay? So next video में हम फिर से मिलेंगे. से इसके अलावा जो डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे. टिल देन प्रैक्टिस इट. बाय बाय, टेक केयर.